जयकारा गुड़गा मेवाड़ी माता का बोल सच्ची दरबार की। पहले कहीं और पूछा करवा रखी तुमने? एक जगह गई थी मैं रुकी गई थी गुरु रिक्शा लेने के लिए, पर वहाँ से आई थी मेरी तबीयत बहुत खराब। रुकी मैं किसके पास गई? रेणुका। रेणुका? अच्छा। फिर मैंने उनकी रुकी, फिर मेरे को माँ ने बोला कि तुमने गलत लिया है, तो जो मूर्ति भी आए हैं जो सादरा में रहते हैं वो भी आए थे हमारे घर मूर्ति बनवाने के लिए। मैं वहाँ से आई थी, मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, तो एक महीने के बाद फिर वो आए हमारे घर मूर्ति बनवाने के लिए। तो फिर उनके सामने मेरी पेशी आई, तो उन्होंने बोला कि तुम गलत की हो, वहाँ से तुम मत करो गुरु दीक्षा, कहीं और लो। फिर मैं रुक गई कुछ दिन के लिए। फिर अभी मैंने माँ से पूछा कि मुझे गुरु दीक्षा लेना है, मैं क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। तो अभी मंगलवार को, पिछले मंगलवार को माता ने नारियल रखवाया था, तो मैं ठीक से सो नहीं पाई। तो दूसरे दिन फिर माँ ने बोला कि मतलब मंगलवार या बुधवार को सपने में दिखूँगी, पर वो तो दिखे ही नहीं मेरे को। फिर मैं भूल गई, तो मैंने अपने दीदी को पूछा करवाया कि मतलब पूछना कि मतलब मेरे को सपने में तो दिखे नहीं, तो माँ ने मतलब आपको लाके खड़ा किया। कौन सी माँ ने? माँ काली। अच्छा, माँ काली वाली। हाँ ठीक है। क्या बोला माँ ने? कि मतलब फिर वहाँ जाके मतलब आपको दिखाया, आप खड़े हुए सामने, तो वहाँ जाके गुरु दीक्षा, तीन मंगलवार जाके वहाँ पे मतलब हाजिरी लगाओ, फिर गुरु दीक्षा वहाँ पे इस दरबार से। बंटी भैया आए थे, फिर उन्होंने अच्छे से बात करी, लेकिन जब एंड टाइम हुआ ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा ही बोल के गए कि तुम एक दुकानदार हो और हम एक ग्राहक हैं। मतलब बाबू तेरे पीछे दो भगत खड़े हैं। मुझे नहीं पता। हाँ माँ ठीक है, एक तेरे ससुराल की तरफ से भगत खड़ा है और एक तेरे बाहर से भगत खड़ा है, जो तेरे दुश्मन बन के बैठे हैं। तेरी शक्ति को ना आगे दे रहे, ना तुझे बढ़ने दे रहे हैं। ठीक है, पूरे शरीर पे जोर गिर रहा है तेरा, आदमी तुझे नहीं समझ पा रहा है, तेरी शक्ति को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, वो बारे में ये बोलता है, ये ड्रामे ना मत कर, नहीं तो तुझे घर से बाहर निकाल दूं। ठीक है, दारू पी के तुझे मारपीट करता है और तेरे साथ बदतमीजी बात करता है, जो नहीं बोलने की। बच्चों की वजह से रह रही हूँ उनके साथ, वरना मैं रहती नहीं उनके साथ। और बाबू जी, तुझे भगवती ने बचाया है, तुझे गलत रास्ते से निकाल के, नहीं तो तू बहुत ज्यादा इतनी गंदी जगह बसती ना कि तुझे दोबारा मुक्ति नहीं मिलती फंसने के लिए। ऐसा दोस्त लगता फिर वो तो जिंदगी भर भुगतना पड़ता तुझे। अब आगे क्या कराना है मुझे ये बता दे बाबू, फिर बता। मुझे पहले घर को सही करना है, हमारा जमीन है मतलब मूर्ति का काम है हमारा, तीन साल से बिल्कुल काम बंद है और काम बिल्कुल नहीं चलता। काम अभी है माँ की कृपा से, पर लड़के नहीं है काम करने के लिए, कर नहीं है। हाँ, और क्या नाम से, कर्जा बहुत हो रखा है। ठीक है, और 200 गज का प्लॉट है हमारा, वो घर नहीं बन पा रहा है, तो हम अभी बेचने के कगार पर। माँ मैं नहीं चाहती वो बिके माँ। अच्छा। हाँ माँ, और जितना कर्जा है वो उतर गए। पति को हाँ माँ, मैं उनसे पूछ के ही आई। एक तो बहू वो करना, सर के बाद तो भगवान ने मेरे को बच्चे दिए, और बच्चे दिए तो सारे धन लूट लिए मेरे से माने। नहीं बाबू, धन नहीं लूटा, धन तेरे पास है, चलाने वाला डंका नहीं है। उन्होंने बोला कि तुझे दौलत दी भगवान ने, औलाद नहीं दी। मैंने कहा दौलत ले लो, मुझे औलाद दो, औलाद दी तो 10-10 रुपए के लिए मेरे बच्चे रोते हैं माँ। मुझे सही रात मंटी भैया मुझे इतना गंदा बोल के आए, मुझे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई। क्या बोल के आए? कि तो मैं शक्ति का तो पता नहीं है तुम्हारे साथ शक्ति कौन सी चलती है, पहले अपनी शक्ति पहचानो उसके बाद मुझसे बात करना। माँ भद्रकाली चल रही है तेरे साथ, माँ दिल्ली वाली कालका चल रही है, ठीक है, और माँ वैष्णवी चल रही है तेरे साथ। तीन शक्ति तेरे साथ मेरे सामने खड़ी है, और तेरे घर के ईष्ट मतलब तेरे पितर ससुराल के वो भी तेरे साथ खड़े हैं। रास्ता तुझे देते हैं, सपने में तुझे बता के चले जाते हैं, पर तू समझ नहीं पाती और भूल जाती है। ये सब तेरे साथ हो रहा है बाबू। उसका एक तो वो करो, जो असोला धाम से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो आपको जानते हैं, आपको जानते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी वीडियो दिखाई थी, उनको तो कहे कि ये हमारे गुरु भाई हैं। हाँ, तो बाबू कहीं पे भी एक जगह विश्वास बना, अगर इधर से सुन ले।